नमस्कार दोस्तों, आज तक आपने एटीएम से पैसे रुपए निकाले होंगे या निकालते होंगे, या आपने सुना होगा कि एटीएम से रुपए निकलते हैं, लेकिन अब बहुत जल्द भारत में एटीएम से राशन मिलने वाला है। लेकिन अब एटीएम से चावल, गेहूं, राशन भी मिलने वाला है। मैं आपको बताऊंगा इस खबर को विस्तार से, अब बने रहिएगा हमारे साथ शुरुआत से अंत तक। दरअसल बात ऐसी है, कर्नाटका देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर खाद्यान्न वस्तु निकालने के लिए एटीएम इंस्टॉल किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, वो ऐसे एटीएम होंगे कि जिसमें से चावल, गेहूं आप निकाल सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, इसके लिए अब आपको राशन डीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही लंबी लंबी लाइन लगानी होगी, ना ही नौकरी से छुट्टी लेनी होगी। अब आप जब चाहें 24 घंटे एटीएम से अपना राशन निकाल सकते हैं, यानी कि गेहूं और चावल ले सकते हैं। शुरुआती तौर पर कर्नाटका राज्य के बेंगलुरु में, यानी कि जो बेंगलुरु है वहां पर, जो स्लम एरिया है वहां पर ये सबसे पहले एटीएम इंस्टॉल किए जाएंगे। राइस एटीएम इंस्टॉल किए जाएंगे सबसे पहले बेंगलुरु में, स्लम एरिया में। खबर यह है कि ये जो एटीएम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ये केंद्र सरकार की जो योजना है अन्नपूर्ति, उसके तहत ये एटीएम इंस्टॉल किए जा रहे हैं कर्नाटका के बेंगलुरु में। बहुत जल्द बेंगलुरु में स्लम एरिया में सबसे पहला राइस एटीएम लगने वाला है। और इसके तहत, यानी कि जो केंद्र सरकार का अन्नपूर्ति पायलट प्रोजेक्ट है, सबसे पहले ये बेंगलुरु के अंदर करके देखा जाएगा ये सफल, कितना सफल होता है, इसका फीडबैक क्या होता है। और इसमें जो सहभागिता निभा रही है केंद्र सरकार के साथ, WFP यानी यूनाइटेड नेशन बर्ड फूड प्रोग्राम के तहत ये एटीएम इंस्टॉल किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की जो अन्नपूर्ति जो योजना है उसके तहत, और WFP के तहत। और इसके अलावा राइस एटीएम के अलावा जो है ग्रेन डिस्पेंसरी मशीन्स भी लगाई जाएंगी, यानी कि उनमें से आपको अनाज निकाल सकेंगे आप एटीएम के ज़रिए। यह राज्य होंगे कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यानी यहाँ पे शुरुआती तौर पर जो मशीनें इंस्टॉल की जाएंगी, ग्रेन मशीन इंस्टॉल की जाएंगी, ग्रेन डिस्पेंसरी मशीन यहाँ पे लगाई जाएंगी शुरुआती तौर पे। इसके अलावा इन एटीएम खाद्यान्न एटीएम से आप 1.3 मिनट में जो है 25 किलो गेहूं या चावल निकाल सकते हैं, ऐसी खबर है। क्षमता होगी, इनकी क्षमता होगी 100 किलो से लेकर 500 किलोग्राम इनके अंदर, इन एटीएम में जो है स्टोर किया जा सकता है, इन एटीएम में स्टोर किया जा सकता है 100 से लेकर 500 किलोग्राम तक खाद्यान्न वस्तु जो है इंस्टॉल की जा सकती है, जिसके जरिए फिर आप एक कॉइन के जरिए अपना राशन निकाल पाएंगे। इसके लिए अब आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा, और जो आपका राशन डीलर है अब आपसे कोई भी किसी भी तरीके की धांधली नहीं कर पाएगा। जैसे आपको अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 5 किलो पर कैंडिडेट गेहूं मिलता है, और वो कहता है कि आपको 4 किलोग्राम 500 ग्राम ही मिलता है, तो इस तरीके से धांधली अब आपका राशन डीलर नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए भारत न्यूज यूट्यूब चैनल को, और हम किसानों से रिलेटेड खबरें बड़ी प्रमुखता से दिखाते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे भारत न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।